सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आ चुकी है एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं डोर फाइट्स के बारे में। थोड़ी बहुत मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो फाइट्स है ना, अगर आपने कभी इंडोर फाइट ली, अगर आपने कभी डोर फाइट ली ना, तो आपको पता होगा यार कितना ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे बंदे को टेक डाउन करना। एंड एक छोटी सी भी गलती है ना भाई, आपकी पेटी वहाँ पे इजिली बनवा सकती है। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार गाइस, अगर आप पबजी खेल रहे हो, अगर बीजीएमआई आप खेल रहे हो, तो यहाँ पे एक ना एक बार तो मतलब हर मैच में ऐसा होता ही है कि आप कोई ना कोई डोर फाइट में फंसते हो, जहां पे बंदा दरवाजे के उस पार होता है और दरवाजे के इस पार आप होते हो। तो ऐसी फाइट्स आपको कैसे हैंडल करनी होती है, वो सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर इसको एंड तक जरूर से देखते रहना। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, तो देखो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। अगर आप किसी भी डोर फाइट में फंसते हो, किसी भी आप घर में फाइट ले रहे होते हो, तो भाई आपको कभी भी है ना अंदर घुसना नहीं है। अगर बंदा सामने वाला आपके ऊपर प्री फायर दिए जा रहा है, गोली उसकी चल रही है, तो ऐसे में भाई आपको कभी भी उसके प्री फायर में घुसना नहीं है, कभी भी गेट के अंदर से आपको गुजरना नहीं है। क्योंकि गाइस यार, ये वाली जो गलती है ना, ये न्यू प्लेयर्स है ना, लाइक जो अभी रिसेंटली बीजीएमआई में शिफ्ट हुए हैं, फ्री फायर से भी कई लोग बीजीएमआई में आ रहे हैं, तो भाई वो लोग है ना, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा भाई बैठा है ना बताने के लिए। तो भाई न्यू प्लेयर्स होते हैं ना, वो ये वाली गलती बहुत ज्यादा करते हैं। लाइक प्री फायर बंदा दे रहा होता है सामने वाला एनिमी, एंड फिर भी भाई वो दरवाजे में घुस जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर गोलियां बंदा चलाते जा रहा है कॉन्स्टेंटली और वहां पे तुम घुस जाओगे, तो तुम्हें वहां पे मरने से भाई कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है प्री फायर में घुसना। ओके यार गाइस, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्री फायर में नहीं घुसना होता है जब भी आप एक डोर फाइट ले रहे होते हो, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि यार ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है हमें। अब बंदे को तो मारना पड़ेगा ना सामने वाले को, तो सिंपल सी बात है गाइस, आपके पास सामने वहाँ पे दो तीन रास्ते बच जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता देता हूँ, तो आपको भाई उसके रीलोड आने का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर बंदा प्री फायर दे रहा है तो एक पॉइंट पे आके उसकी गोलियां खत्म होने वाली है, मैक्सिमम उसको रीलोड करनी पड़ेगी, और वही टाइम होता है आपके लिए जब आप उस पर पुश कर सकते हो, और वो टाइम पे भाई बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्री फायर में ऐसा होता है ना, हम कॉन्स्टेंटली गोलियां चलाते रहते हैं, स्विच कर लेते हैं हम दूसरी गन को भी, उससे भी हम प्री फायर देने लग जाते हैं, और 10-15 गोली उसमें बच जाती है। तो ऐसे में भाई वो टाइम अगर आप पुश कर दोगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, बंदे को पता भी नहीं चलने वाला है भाई क्या हो गया है मेरे साथ। तो गाइस यार, याद रखना ये वाले पॉइंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कभी भी आप ऐसी फाइट में फंसते हो तो। ओके यार गाइस, तो अगली मिस्टेक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे बारिश हो रही है अभी, और थोड़ी सी अगर आपको साउंड अलग आ रही हो ना, थोड़ी सी साउंड में दिक्कत आ रही हो, तो भाई मुझे माफ़ कर देना यार, यहाँ पे मतलब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और उसी टाइम पे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट एनीवेज, अब भाई जब भी आप डोर फाइट्स में फंसते हो ना, लाइक जब भी आप किसी दरवाजे पे फाइट ले रहे हो, बंदा दरवाजे के उस पार है, दरवाजे की साइड आप हो, तो ऐसे में भाई आपके और दरवाजे के बीच में एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, कि दरवाजे से जाके एकदम वो चिपक जाते हैं, तो ऐसे में भाई आपकी गन भी वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाली, आपका एम भी के ऊपर नहीं लगने वाला है, दूसरा जो बंदा है ना, लाइक जो आपका एनिमी है, उसके लिए आप इजी शिकार वहां पे बन जाते हो, क्योंकि आप बड़े बड़े उसको दिख रहे हो, तो एकदम दरवाजे के बीच में, तो दरवाजे के बीच में जाके तुम फंस जाओगे वहां पे, तो ऐसे में भाई इजी शिकार तुम वहां पे बन जाओगे। तो आपको ट्राई करना है कि 1 मीटर की दूरी अगर आप मेंटेन कर लोगे ना, तो वो भी बहुत सही है। अगर 2 मीटर की दूरी, लाइक आपका रूम इतना बड़ा है जहां पे आप फाइट ले रहे हो, जहां पे आप 2 मीटर की दूरी इजीली मेंटेन कर सकते हो, तो भाई वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। क्योंकि 2 मीटर की दूरी में अगर आप हिप फायर देते हो ना, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका हिप फायर उसी टाइम पे जाता है। तो आप ट्राई करना कि 1 मीटर की दूरी अगर आप बना लेते हो तो बहुत सही। एंड गाइस, अगर आप 2 मीटर की दूरी बना लोगे, तो वो और भी ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, एंड फाइट आप इजीली वो वाली जीत जाओगे। ओके यार गाइस, तो जब भी आप घर में फाइट ले रहे हो, तो जब भी आप डोर फाइट्स ले रहे हो, तो इंडोर फाइट्स में देखो बेसिकली होता क्या है ना, कि अपन स्कोप नहीं खोल सकते बंदे के ऊपर, बार बार हम स्कोप नहीं खोलते वहाँ पे जो हमारे पास ओनली ऑप्शन बच जाता है ना, वो होता है हमारा हिप फायर। तो ऐसे में भाई आपका हिप फायर भी एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी क्रॉस एयर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, और उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना दिए हैं, तो वो भी आप ज़रूर से देख लेना इस वाली वीडियो के बाद, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपकी हिप फायर एक्यूरेसी अच्छी है ना भाई, तो आपको इंडोर फाइट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इतनी देर से क्लिप देख रहे हो, तो ज़्यादातर क्लिप्स में मैं हिप फायर ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे में भाई देखो हिप फायर है ना बहुत ज़्यादा सही काम करने वाला है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया यार, स्कोप हम तब खोलते हैं जब बंदा हमारे से थोड़ा बहुत दूर होता है, लेकिन घर में क्या होता है, घर में तो बंदे पास पास होते हैं, तो ऐसे में भाई हिप फायर ही हमारे पास ओनली ऑप्शन बच जाता है। एंड अगर हमारा हिप फायर ही अच्छा नहीं है, तो भाई कहां से हम वहां पे फाइट जीतने वाले हैं। तो ट्राई करना, अगर आपका हिप फायर वीक है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बना लेना, ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोई भी इंडोर फाइट वहां पे लेते हो। ओके यार गाइस, तो अब बात करते हैं वेपन सिलेक्शन की। लाइक अगर आप कोई भी डोर फाइट में फंसते हो, कोई भी इंडोर फाइट में आप फंसते हो, तो ऐसे में आपको कौन सी गन ज़्यादा बार प्रीफर करनी है, ज़्यादा आपको यूज़ करनी है ऐसी गन। तो देखो सिंपल सी बात है गाइस, 7.62 की जो गोलियां है ना, लाइक जो गन्स है, वो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार गाइस, 7.62 की गोलियां है ना ज़्यादा डैमेज देती है, तो आपको वही गन यूज़ करनी पड़ेगी ना क्लोज रेंज में जो ज़्यादा डैमेज देती हो। तो एके में ना भाई, ऐसे में जो डोर फाइट्स होती है, स्पेशली डोर फाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ,
तो वहाँ पे AKM है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी चलती है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना वीडियो में, तो ज़्यादातर मैं जो है AKM ही यूज़ करता हूँ। M762 भी मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन उसका हिप फायर मुझे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगता है अगर मैं उसे कंपेयर करूँ AKM से। तो AKM अगर आप यूज़ करोगे ना डोर फाइट्स में, लाइक कोई भी इंडोर फाइट्स में, डोर फाइट्स में या फिर क्लोज रेंज में भी इवन, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहने वाली है। एंड गाइस जो SMGs है ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी है अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डोर फाइट्स की, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, आपको ज़्यादा बार गोलियाँ चलानी पड़ती है, ज़्यादा आपको हिप फायर देना पड़ता है, ज़्यादा आपको प्री फायर देना पड़ता है। और प्री फायर में भाई आपकी गोलियाँ ही जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है UMP या फिर Uzi में कम ही गोलियाँ लगती है, तो अगर उनको आप यूज़ करोगे ना, तो जल्दी से आपकी गोलियाँ वहाँ पे खत्म हो जाएगी एंड ईजी टारगेट आप बंदी के लिए बन जाओगे। तो ऐसे में भाई आपको ऐसी ज़्यादा गन्स यूज़ करनी है जिनमें गोलियाँ भी ज़्यादा लगती हो, जैसे हमारी M249 हुई या फिर हमारी थॉम्सन हुई। इवन देखो SMGs में थॉम्सन भी होती है, PP बाइजन होती है, तो ये वाली गन्स आप प्रीफर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमओ वाली गन्स है ना अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। एंड अगर आप ज़्यादा डैमेज वाली गन भी यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली बात है, डैमेज ज़्यादा दे पाओगे तो फाइट भी आप इजीली जीत पाओगे। तो ऐसी गन्स को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। सो गाइज ये थी वीडियो हमारी यार डोर फाइट्स के ऊपर, इंडोर फाइट्स के ऊपर। आई गेस आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना भाई, थोड़ी सी भी पसंद आई है वीडियो, तो लाइक अभी तक नहीं किया ना तो सबसे पहले वो कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ के लिए, जो कि आपकी गेम प्ले को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती रहती है। बाकी यार कोई भी कॉमेंट्स में अगर पूछना हो ना तुमको, लाइक कोई भी सवाल हो तुम्हारा, तो ज़रूर से लिख देना, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइज, कीप ग्राइंडिंग।